आज बनने जा रहा है ग्वार की फली। और ग्वार की फली बनाने के पहले मैंने गैस को ऑन कर ली हूँ। उसके बाद पैन को धो के अच्छे से गर्म होने दी हूँ। उसके बाद मैंने इसमें ऑयल डाली हूँ। ऑयल गर्म हो चुका है तो मैंने इसमें डाली हूँ एक चम्मच जीरा, एक चम्मच राई और एक बड़ा कटा बारीक प्याज। अच्छे से इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी। तो ये मिक्स हो रहा है। और इसे अच्छे से पकने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब इसमें डालूंगी आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसमें डालूंगी दो बारीक कटे हुए टमाटर। और टमाटर को मैंने अच्छे से धो ली थी। तो टमाटर भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद इसमें डालेंगे गवार की फली। इसे अच्छे से बारीक कट करी हूँ। उसके बाद इसे दो तीन पानी से धो के रख दी थी। और गाइस जब भी आप इस गवार की फली को काटेंगे या तोड़ेंगे अपने हाथ से तो इसके जो रेसेस है ना, रेसेस यानी कि मराठी में उसे वॉल बोलते हुए जो दोनों साइड से निकलते हैं, तो उसे अच्छे से तोड़िएगा, नहीं तो वो दांत में फंस जाएंगे या अटक जाएंगे। तो इसे घुमाने के बाद मैं इसे ढक के पका लूँगी थोड़ी देर के लिए। और इसे ऑयल में ही पकाना है। तो इसे ऑयल में पकने के बाद अब इसमें डालेंगे एक गिलास पानी। तो चलिए इसे अच्छे से घुमा लेते हैं। तो ये मिक्स हो चुका है। तो अब इसे ढक के पका लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं सब्जी पक गई क्या। तो सब्जी पक के तैयार है। देखिए इस तरह से गवार की फली पक चुकी है। तब इसमें डाल देते हैं हरा धनिया। और हरे धनिया को अच्छे से मैंने बारीक कट करके धो के रख दी थी। तो इस तरह से गवार की फली की सब्जी तैयार हो चुकी है। गाइस आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।